तो गाइस हम लोग अभी है मंदरमनी में और मंदरमनी में करने वाले बहुत ही एडवेंचरस राइड, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाले और डर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है मुझ में, पहली बात तो। तो फिर बोट बुक होने के बाद हम लोग पहनते हैं लाइफ जैकेट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे लोग लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। मैं भैया को स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ना अच्छे से बांधो, क्योंकि मेरे को स्विमिंग नाम की कुछ चीज़ें नहीं आती है। मेरे अलावा सबको आती है स्विमिंग। मैं चल पड़ती हूँ बोट की तरफ फुल कॉन्फिडेंट होके, एकदम बोले तो झकास्टिंग है ना, तो हम पांचों एकदम रेडी है। मैं अपने लाइफ में जितना कॉन्फिडेंट हो सकती थी उतना थी, मगर जैसे ही मैं बोट पे चढ़ी ना, मेरा कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं लूज हो गया था, क्योंकि बोट बिना चले इतना ज़्यादा हिल रहा था, इतना ज़्यादा हिल रहा था कि आप सोच ना सको। और मेरे को ना एकदम सामने बिठा दिया, सामने जो बैठते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत रिस्क होता है, तो चलो ठीक है हम रिस्क भी उठा लेंगे, मगर मज़ा एकदम 100% आना चाहिए, फुल पैसा वसूल एकदम, ठीक है ना। यहाँ भैया बोट तो स्टार्ट भी नहीं हुई और हम लोग चीखे देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। अब हमारे साथ जो एक भैया जा रहे थे जो कि बोट चला रहे थे, वो भी डर गया हमारे चीखे सुन के कि आगे क्या होने वाला है। প্রথমবার মোটর চালু পেছনে मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में कि मैं शूट ज़्यादा कर नहीं पाई, ठीक है। लंच करके गए थे, लग रहा था कि ये जो खाना है वो एकदम मुंह से निकल जाएगी, मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसी हालत हो गई थी। मतलब फिर बाल बिखर के मैं बाल संभालूँ या फिर खुद को संभालूँ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस था, ठीक है। मैं जितना हल्के में ले रही थी ना, वैसा कुछ नहीं था भैया। मैं जिंदा बच के यहाँ तक आई हूँ, भगवान का लाख लाख कृपा है, ये तो मैं बोल ही सकती हूँ, ठीक है। मगर ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ढांसू है। तो हमारे ये राइड ख़त्म होने के बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा सी पे मज़े कर देंगे, नहीं क्योंकि मज़ा भी तो ज़रूरी है ना, अभी तो यार सजाई कर रहे थे लिटरली। तो उसके बाद हम लोग सी पे चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ ये तीनों ना एकदम दूर में चले गए और मैं इधर बैठी हूँ अकेले। तो उसके बाद मेरी जो भाभी थी वो मुझे लेके गई थोड़ा सा, एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े किए। मैं इधर उधर का शूटिंग कर रही थी और शूटिंग करते करते मेरे कैमरा ने ये वाला मूवमेंट कैप्चर कर लिया और मैं ना सही बताऊँ तो एक मिनट के लिए बहुत ज़्यादा डर गई थी, भाई ये है कौन। फिर उसके बाद पता चला कि ये मेरे भैया जो कि ऐसे तैर रहे हैं, ठीक है। How are you? I am under the water. फिलहाल यार राइड की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ढांसू है, ठीक है। और आप लोग भी अगर मंदरमनी आ रहे हो तो प्लीज़ यार ये वाला राइड ज़रूर ट्राई करना। मौत को छू के टक से वापस आई हो, इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना आप लोग। बाय।